छिंदवाड़ा जिला के चौरई विधानसभा से बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर किसानों ने जंगी प्रदर्शन किया है। बीते सप्ताह हुई अतिवृष्टि व अचानक माचागोरा डैम के आठों गेट के खुलने के कारण चौरई विधानसभा क्षेत्र के हजारों किसानों की मक्का, सोयाबीन, गन्ना आदि फसलों को भारी क्षति हुई है, जिसका एक सप्ताह के बाद भी किसी तरह का सर्वे व मुआवजे की कोई कार्यवाही न होते देख आज क्षेत्र के हजारों किसानों ने चौरई विधायक चौधरी सुजीत सिंह के नेतृत्व में बुधवार को अनुविभागीय कार्यालय परिसर में पहुंचकर छिंदवाड़ा कलेक्टर के नाम पर चौरई अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के द्वारा चौरई तहसीलदार राजेंद्र टेकाम को एक ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने ज्ञापन में मांग की है कि विगत दिनों हुई अतिवृष्टि से हुए नुकसान व माचागोरा डैम की आठों गेट खुलने से नदी के किनारे वाले किसानों को हुई नुकसानी एवं बाढ़ के पानी से ग्रामीण लोगों के घरों में हुए नुकसान का सर्वे कर क्षतिपूर्ति का उचित मुआवजा दिया जाए, आने वाली रबी फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद बीज समय के पहले उपलब्ध कराया जाए, रबी फसल की सिंचाई हेतु 15 घंटे बिजली उपलब्ध कराया जाए, गांव-गांव में अवैध शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगाया जाए एवं जुआ सट्टा के अवैध कार्यों पर रोक लगाई जाए, भाजपा कार्यकर्ताओं की सरकारी दफ्तरों से दलाली बंद करवाई जाए एवं पुलिस द्वारा कांग्रेसियों पर सरकार के दबाव में झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं उस पर तत्काल रोक लगाई जाए, जनपद एवं नगर पालिका अधिकारियों द्वारा कांग्रेस जनप्रतिनिधियों से भेदभाव कर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना बंद किया जाए, प्रशासन दलगत राजनीति से उठकर सभी से सामान्य व्यवहार करे, जनहित के कार्य करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया। साथ ही एक सप्ताह में इन मांगों को पूरा नहीं होने की स्थिति में आने वाले समय में उग्र आंदोलन की चेतावनी भी प्रशासन को दी गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और किसानों द्वारा भारत माता चौक पर मुख्यमंत्री का पुतला दहन भी किया गया। इससे पूर्व चौरई विधायक चौधरी सुजीत सिंह ने विधायक कार्यालय के सामने क्षेत्र के किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि अतिवृष्टि एवं माचागोरा डैम के सभी गेटों से पानी छोड़े जाने के कारण हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है, जिसकी जानकारी के बाद भी करीब एक सप्ताह के पश्चात अभी तक प्रशासन द्वारा किसानों की कोई सुध नहीं ली गई है। किसान आज पीड़ित है, जीने मरने की स्थिति में है, लेकिन प्रशासन खामोश है। सत्ताधारी दल के नेताओं के इशारों पर काम करने वाले कुछ अधिकारियों को विधायक चौधरी सुजीत सिंह ने चेताते हुए कहा है कि अभी भी 3 माह का समय है, अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाए, जनता के हित में काम करे, न कि भाजपा नेताओं के इशारे पर काम करे। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व विधायक चौधरी गंभीर सिंह, हरिश्चंद्र पटेल, राजीव तिवारी, जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष राजू पवार, तीरथ सिंह ठाकुर, सुशील सक्सेना, अस्मित चौधरी, आदिवासी विकास परिषद के ब्लॉक अध्यक्ष प्रयास सिंह धुर्वे, अंकित पांड्य, ब्लॉक कांग्रेस उपाध्यक्ष कल्याण सिंह त्रिकाम आदि वक्ताओं ने संबोधित किया। इस मौके पर चौरई विधानसभा क्षेत्र के किसान व नेतागण एवं चौरई ब्लॉक व नगर कांग्रेस, विधानसभा ब्लॉक व नगर युवक कांग्रेस, ब्लॉक किसान कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ, NSUI, व्यापारी प्रकोष्ठ आदि कांग्रेस के सभी प्रकोष्ठ के प्रमुख पदाधिकारीगण व हजारों की संख्या में क्षेत्र के किसानगण उपस्थित रहे। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले हफ्ते अतिवृष्टि हुई और अतिवृष्टि के कारण हमारे चौरई क्षेत्र की फसल जो लगी हुई है, मक्का की फसल, गन्ने की फसल, सोयाबीन की फसल, उन्हें नुकसान हुआ। साथ में माचागोरा डैम के से जो पानी छोड़ा गया, आठों गेट खोल दिए गए थे, इस कारण पैंच नदी में बहुत पानी जा रहा था, जिससे उधर के 15-20 गाँव में बहुत ज्यादा नुकसानी हुई, दोनों तरफ पैंच के, उसको फसल बह करके भी चली गई, खेत खाली हो गए। इन सब मांगों को लेकर के आज हमारे चौरई विधानसभा क्षेत्र के किसान भाई यहाँ एकत्रित हुए, हम सब वरिष्ठ जन भी उसमें शामिल हुए और हमने प्रशासन को ये चेतावनी दी है। अभी तक सर्वे शुरू नहीं हुआ, मध्य प्रदेश की जो भाजपा सरकार है, किसान विरोधी सरकार, वो अभी तक सोई हुई है, जबकि इन्हें तुरंत सर्वे की घोषणा कर देना चाहिए था। अब तक तो मुआवजा राशि भी मिल जाना चाहिए था, परंतु ये जो गूंगी बहरी निकम्मी सरकार है, इस सरकार को जगाने के लिए हम सबने मिलकर के आज भारी संख्या में किसान भाई यहाँ इकट्ठे हुए, हमने थोड़ी देर वहाँ धरना भी दिए और प्रशासन को, हमने एक कलेक्टर महोदय को और एक अनुविभागीय अधिकारी राजस्व को हमने ज्ञापन दिया है और उनसे ये मांग किया है कि जल्द से जल्द हमारा सर्वे कराया जाए, किसान भाइयों को मुआवजा दिया जाए और यदि उन्हें जल्दी से सर्वे कराकर ये मुआवजा प्राप्त नहीं हुआ तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन और करेंगे, चौरई में भी करेंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हमें जाना पड़े छिंदवाड़ा जिला स्तर पर, तो भी हम सब मिलकर के किसान भाइयों के साथ
इसका उग्र आंदोलन हम करेंगे ताकि जो सरकार बैठी है उसकी आंखें खुल सके, नींद से वो जाग सके और किसानों के हित में कुछ हो सके। और भी बहुत सारी मांगे थी, एक ज्वलंत समस्या हमारे चौड़ाई विधानसभा क्षेत्र में गांव-गांव में शराब की बिक्री हो रही है, महिलाएं हमारे पास इकट्ठी होकर के आ रही, जहां जहां भी हम जा रहे हैं चौड़ाई में भी ज्ञापन दिए, अभी तक प्रशासन उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। अवैध रूप से शराब बेची जा रही है, जुआ सट्टा का बहुत प्रचार प्रसार हमारे क्षेत्र में है, इससे गांव में अशांति स्थापित हो रही है, जोरों पर चल रहा है, गांव में अशांति स्थापित हो रही है, असामाजिक तत्व इसमें लिप्त है। हमारी प्रशासन से मांग है कि उस पर भी जल्दी से अंकुश लगाया जाए, क्योंकि आगामी समय में चुनाव है, इसमें माहौल बिगड़ने की स्थिति बनती है और भी बहुत सारी समस्याओं को लेकर के कि आगामी समय में हमें खाद बीज किसानों को सही समय पर उपलब्ध हो जाए ताकि वो अपनी किसानी सही ढंग से कर सके, ऐसी बहुत सारी मांगों को लेकर हम सब वरिष्ठ जनों ने मिलकर धान का पंजीयन चालू कराया जाए, बहुत सारे किसानों ने धान लगाया है, तो ऐसी बहुत सारी मांगों को लेकर हम यहाँ वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में हमने आज प्रशासन को जिताया है और सभी हमारे किसान भाइयों का इसमें विशेष सहयोग रहा है। चूंकि SDM मीटिंग में थे तो तहसीलदार और थाना प्रभारी ने ज्ञापन दिया और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इस पर हम उचित कार्रवाई करेंगे। कलेक्टर महोदय के नाम भी हमने ज्ञापन दिया है तो उन्होंने कहा कि उसको भी हम कलेक्टर तक पहुँचेंगे। बिसेन न्यूज़ के लिए चौरे से राजेश उइके की रिपोर्ट।